हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। आप जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता हूँ। तो आज भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। आजकल हर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, चाहे उसका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। वो चाहता है कि उसका बिजनेस छोटे से बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा बनता जाए। तो इसके लिए वो क्या करें, और इसके लिए वो ऐसे कौन से टॉपिक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर वो फोकस करें। तो आइए आज मैं आपको उन शानदार टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होंगे। तो आइए चलते हैं इस सफ़र की तरफ और जानते हैं इन टॉपिक के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है स्कैन द एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास स्कैनर है, तो वो क्या काम करता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को स्कैन करना। जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन के अंदर स्कैनर है, तो वो क्या काम करता है, आपके फ़ोन के डाटा को स्कैन करना या पूरे फ़ोन को स्कैन करना। अगर वही स्कैनर आपके कंप्यूटर में है या लैपटॉप में है, तो वो क्या काम करेगा, कंप्यूटर या लैपटॉप को स्कैन करेगा। तो वैसे ही आपको भी इस पूरी इन्वायरमेंट मतलब इस पूरी मार्केट को स्कैन करना है। आपको देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मार्केट को अभी उस पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो इस चीज़ मार्केट में कम से कम है। आपको भी कुछ ऐसे बिजनेस ढूंढने हैं जो इस इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, और इस इन्वायरमेंट में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, और वो इस इन्वायरमेंट में कम है, और जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस दे सके, जो आपके इन्वायरमेंट मतलब आपके मार्केट के लिए भी हेल्पफुल हो और आपके लिए भी हेल्पफुल हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और आप अपने उन ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे जो आपने सोचे होंगे। और ये कुछ टिप जो है मैं उन यूट्यूबर्स को भी देना चाहता हूँ जो अभी यूट्यूब में आए हैं, कि आपने क्या करना है, जब भी आप वीडियो अपलोड करें उनके रिलेटेड आए भी, जब भी आप वीडियो को अपलोड करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सीधे हाँ आज हमारे ये, जैसे कि वो क्या करते हैं, आज हम ये कर रहे हैं और ये वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा कि वो समझ नहीं पाएंगे कि आप हमें क्या दोगे। तो आपको सबसे पहले बताना है कि जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन के रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड आपकी वीडियो है, तो आप बताओगे हाँ आज मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप से आपके फ़ोन में क्या फीचर न्यू आएंगे या कुछ भी। उससे क्या होगा कि वो जो वीडियो देखेगा वो समझेगा हाँ मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, तो मैं इस वीडियो को देखूँगा। अगर आप सीधे स्टार्ट कर दोगे तो वो मुझे क्यों देखनी है ये वीडियो, मैं क्यों देखूँ, और वो आगे कर देगा इसके। इसी तरह से बिजनेस का है, आपको भी अपनी मार्केट में अपनी इन्वायरमेंट में उनको बताना है कि आपको इस चीज़ की आवश्यकता है। जब तक वो अपनी आवश्यकताओं को समझेंगे नहीं, जब तक मार्केट को आप उनकी आवश्यकताओं को नहीं समझाओगे, वो आपके बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दूसरा है बोन ने नीड, मतलब आपको अपनी आवश्यकताओं को पैदा करना है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, वैसे ही आपको उन मार्केट वालों को बताना है कि आपकी ये आवश्यकता है, आपको ये चाहिए। जब तक आप उनको में एहसास नहीं दिलाओगे कि आपको ये चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको पेन बेचने के लिए खड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ ये लीजिए आप इस पेन को खरीद लीजिए, तो आप क्यों खरीदोगे। अगर वही बंदा जहाँ पे जैसे एग्ज़ाम हॉल है उसके बाहर खड़ा होगा, तो 99% उसके सभी पेन बिक जाएंगे, क्योंकि उस टाइम उनको उस चीज़ की आवश्यकता है, उसको उस की नीड है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है कि आपको अपने बिजनेस को ऐसी जगह पे सेट करना है और ऐसे इन्वायरमेंट में सेट करना है, और उनको और मार्केट को उसकी नीड्स बतानी है, जिससे वो आपके बिजनेस को आसानी से एक्सेप्ट कर सके। और अब हम चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3 है डोंट गिव अप। ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बिजनेस खड़ा कर लिया, आपने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, पर जब तक आपके अंदर वो जज्बा नहीं होगा कि आप गिव अप नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करोगे। जैसे आपके बिजनेस में कुछ डिफिकल्टी आ जाएंगी, आप गिव अप कर दोगे, तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। जैसे आपने अभी इस बिजनेस को छोड़ दिया, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आए तो गिव अप कर दोगे, आप थोड़े से दूसरा बिजनेस करोगे तो उसमें गिव अप कर दोगे, इससे आपके कभी भी बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप उन ड्रीम्स को नहीं पा सकोगे जिनको आप पाना चाहते हैं। आपने मुकेश अंबानी जी की ये स्टोरी तो सुनी होगी, जब उन्होंने अपने कार का बिजनेस शुरू किया तो उनके सामने कितनी कठिनाई आई थी। उनका बिजनेस इतना, उनकी बिजनेस की ऐसी हालत हो गई थी कि उनको अपने इस कार के कंपनी को बेचना पड़ा किसी दूसरी कंपनी में। और जब
उन कंपनी वालों ने कहा कि अगर तुम्हें इस बिजनेस को चलाने का पता ही नहीं था तो तुमने ये बिजनेस क्यों शुरू किया। तो उस बात से वो इंस्पायर हुए और उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी इस कंपनी को इतनी बुलंदी में पहुंचा दिया कि जिस कंपनी के पास वो अपनी कंपनी को देने गए थे उस कंपनी के मालिक खुद इनकी कंपनी में उस कंपनी को दे गए। तो इससे आपको ये समझाती है कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन का यही सबूत है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करता है, वो हर हालत में अपना गुजारा करता है। तो ये थे कुछ आपके बिजनेस को सक्सेस करने के कुछ मेरे तरफ से बीज मंत्र। वो अपने ये आपके लिए और आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। मैंने देखा होगा लड़कियाँ जब शॉर्ट ड्रेस में बाहर जाती हैं तो उनको कई, आजकल तो थोड़ा कम हो गया, आजकल तो बहुत कम हो गया, फिर भी कई लोग उनको बहुत गंदे कमेंट करते हैं, या कई बोलते हैं देखो इनको कुछ शर्म नहीं है, या कुछ ऐसे को बहुत सारे कमेंट करते हैं। पर मैं उनसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ लड़कियाँ ही शॉर्ट्स में बाहर निकलती हैं? लड़के कभी नहीं निकलते, पर लड़कियाँ उन पर क्यों कमेंट नहीं करती? इनके पीछे उनकी सोच होती है। तो आप समझ गए होंगे, वो उन लोगों के जैसे उनकी छोटी सोच नहीं है। होप यू आपको मेरी इस बात समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।